हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेंसेज चैप्टर। आई होप सो आपने सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबका हो गया है पढ़ के, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर आपने अच्छे से समझा है, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होता है और क्या क्या होता है उसमें, तो प्लीज़ आप पहले वो अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। बिकॉज वो अगर अच्छे से पता है तो ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने की वजह से हमने मिरर के रे डायग्राम्स आराम से कर लिए थे। तो सेम वे 10th में है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके वजह से जो लेंसेज चैप्टर में आपका इमेज फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि लेंस क्या है, टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या है, और उसका इमेज फॉर्मेशन, ओके, और इस पर सम्स भी आते हैं। तो ये वेरी यू नो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो प्लीज़ पे अटेंशन फ्रॉम द स्टार्ट। सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू यू नो अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेरी प्रॉपरली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके। सो लेंसेज स्टूडेंट्स, हमने मिरर देखा था 9th स्टैंडर्ड में। नाउ मिरर इज यूज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट, रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो वो क्या करता है कि जब लाइट पड़ता है, तो हमने देखा था रिफ्लेक्शन कब होता है, जब वो वापस आता है, जाकर वापस आता है। लेकिन रिफ्रैक्शन का भी होता है, जाता है लेकिन वो वापस नहीं आता, वो आगे चले जाता है। तो जो मीडियम के ऊपर गिरा है वो मीडियम उसको ट्रांसफ़र करवाता है, राइट। तो लेंसेस क्या है, लेंसेस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा कोई मीडियम जिससे हमारा रे ऑफ लाइट पास हो जाए। अभी ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट याद है, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में किया हुआ है, राइट। तो ग्लास स्लैब क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस भी, इसीलिए तो वो लाइट को ट्रांसफर करने को हेल्प करता है, राइट। ट्रांसपेरेंट मीडियम अलाउज द लाइट टू ट्रैवल थ्रू इट, राइट, बट मिरर वो नहीं करता है, राइट, ओके। एक चीज ये है कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकेंड थिंग क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ रिफ्रैक्टिव मीडियम, इसीलिए तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो सकता है, बट मिरर इज़ नॉट अ रिफ्रैक्टिव। वो एक्चुअली उसका एक साइडेड कोटेड रहता है ना उसका, तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता लाइट, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं रहता। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, सभी ने देखा है, राइट, मैग्नीफाइंग ग्लास, करेक्ट। आप कभी हमारे डोर पे, जो हमारा जो मेन डोर या फिर सेफ्टी डोर होगा, वहाँ पे यू नो वो ग्लास लगा होता है देखने के लिए कि कौन आया है, किसने बेल मारा है, राइट, तो वहाँ पे भी लेंस है, बल्जिंग होता है, देखो छू के देखो, ऐसे कर्व्ड रहता है, तो वो सब लेंस। वॉच मेकर्स जो ग्लास यूज़ करते हैं, है ना, तो वो चश्मे में क्या होता है, मिरर थोड़ी ना होता है, उसमें भी लेंस होता है, राइट। सो एवरीवेयर लेंस इज यूज्ड, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हर जगह हो रहा है, राइट, ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो हम कुछ देख पाते हैं। तो लेंसेज का डेफिनेशन क्या लिखोगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम और ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस। मैंने जैसे कहा मिरर में क्या रहता है, उसमें भी टू सर्फेसेस, लेकिन एक साइड उसका पूरा कोटेड रहता है, राइट, बट इसका यहाँ पे क्या, दोनों सर्फेसेस स्फेरिकल सर्फेसेस है, स्फेरिकल सर्फेस, ओके, ठीक है। लेंस कैन बी बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल, मतलब अगर लेंस में एक, एटलीस्ट एक स्फेरिकल भी सर्फेस हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेंस, ठीक है। तो उसका जो दूसरा वाला सर्फेस क्या होगा, ऐसे दोनों स्फेरिकल हुए, ठीक है, अगर सपोज ये एक ही स्फेरिकल है तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्वियसली प्लेन होगा, राइट, तो अगर एटलीस्ट वन भी लेंस में रहेगा तो भी चलता है, ओके, देखते हैं अभी टाइप्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखते हैं, ठीक है। हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बेसिक्स पहले करेंगे सारा। तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कभी भी याद रखो, कॉन्वेक्स मतलब एकदम मोटा, कॉन्वेक्स, ठीक है, ऐसे बल्जिंग रहता है पूरा, बल्जिंग। तो वो क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस, ये दिख रहा है, टू स्फेरिकल सर्फेसेस से बना हुआ है, ये भी टू स्फेरिकल सर्फेसेस से बना हुआ है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, इट इज़ बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फुगा हुआ रहता है, लेकिन ये चिपक गया रहता है, इसको किसी ने ऐसा दबा दिया है, तो ये इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स कर्व्ड है वो, ऐसे कौन, कॉनकेव, ठीक है, लेकिन कॉनवेक्स नाम से लगता है मोटा, तो वो ऐसे फुगा हुआ रहता है बाहर की तरफ, ठीक है, इट इज़ बल्जिंग आउटवर्ड्स, वाइल कॉनकेव इज़, इट इज़ वॉट, कॉन्ट्रैक्टेड इनवर्ड्स, राइट, तो आप कर्व्ड इनवर्ड्स भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कर्व्ड इनवर्ड्स लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है। सेंटर इज थिकर, ऑब्वियसली इसका सेंटर देखो कितना थिक है, इसका सेंटर थिक है क्या, नहीं, तो सेंटर इज थिनर देन द एजेस, इसका एजेस थिकर है, इसका एजेस थिनर है, राइट।
कॉन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली जब कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट पड़ता है तो वो क्या करता है पता है, जब लाइट पड़ता है हम रिफ्रैक्शन के टेक्निक्स यूज करके वो कॉन्वर्ज होता है, वो सब आगे बताऊंगी। सिर्फ याद रखना कॉन्वेक्स इज ऑलवेज कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव इज डाइवर्जिंग, ठीक है। एंड ये तीन आपको टाइप्स दिया गया है टेक्स्ट बुक में। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है ये नॉर्मल अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। आप मिरर और लेंस के साथ कन्फ्यूजन मत करना, बिल्कुल भी नहीं। अभी मिरर को भूल जाओ, जो नाइन्थ में हो गया वो छोड़ दो, अभी ये लेंस को ध्यान में रखो। ये कॉन्वेक्स, इसको हम लोग बाय कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, बाय कॉन्वेक्स, दोनों साइड, दोनों वो स्फेरिकल वाला सर्फेस है तो बाय कॉन्वेक्स इसके लिए। अब यहाँ पे देखो ये एक ही साइड इसका कर्व्ड है, स्फेरिकल है, दूसरा साइड क्या है स्ट्रेट है, राइट, तो इसको हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स बोलेंगे। प्लेनो, एक साइड प्लेन है स्ट्रेट और दूसरी साइड बल्जिंग है, तो इसलिए हम लोग इसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अब ये कुछ अजीब है, राइट, तो इसमें क्या हुआ, ये जो बाहर का साइड है ये क्या है, कॉन्वेक्स है, लेकिन ये अंदर का साइड दिख रहा है किसके तरह है, इसका हाफ पार्ट दिख रहा है आपको, ये कॉन्केव का, तो ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिक्सचर ऑफ दोनों, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मेनिस्कस, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इट इज द लेंस विच इज मिक्सचर ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, तो पॉजिटिव मेनिस्कस। अभी वही आप इधर देखो, कॉन्केव तो मैंने बता दिया ये तो नॉर्मल है, तो इसको हम लोग बाई कॉन्केव भी बोलते हैं या तो नॉर्मल कॉन्केव लेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बताओ, सेम, इसका एक साइड कर्व्ड है इनवर्ड्स, लेकिन एक साइड पूरा स्ट्रेट है, तो इसको हम लोग जैसे इसका था प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉन्केव। इसको क्या बोलेंगे, सेम इसका भाई दिख रहा है लेकिन उल्टा साइड है, तो इसमें क्या है, पहले कॉन्केव एंड देन कॉन्वेक्स है ना, ऐसे फुगा हुआ ये कॉन्वेक्स है लेकिन ये वाला साइड है ऐसा, राइट, इनवर्ड्स चिपकाया हुआ है लेकिन ये फुगा हुआ है, राइट, तो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स, तो ये नेगेटिव मेनिस्कस। एज सच इतना कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट सिर्फ एक नॉलेज के लिए, ठीक है। सो नाउ वी विल सी सम नोटेशंस, ओके, विच विल बी यूज्ड इन आर इमेज फॉर्मेशन एंड ऑल्सो इन आर न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो अभी पहले तो आप लोग देख लो कि जो भी एक लेंस है वो फॉर्म कैसे होता है, दो स्फीयर से फॉर्म होता है, ठीक है। दो स्फीयर हम लोग अगर लेंगे, हम लोग ने दोनों स्फीयर को ऐसे ओवरलैप कर लिया, ठीक है, ये एक स्फीयर है ये एक स्फीयर है, स्फीयर वन और स्फीयर टू को ओवरलैप कर लिया, तो ये जो बीच का जंक्शन दिख रहा है ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, राइट। सेम वे अगर मैंने दो स्फीयर लिया, दूर दूर रखा, ठीक है, तो ये बीच का पार्ट क्या बन जाएगा, कॉन्केव। दिस इज जस्ट अ यू नो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है वो अभी आपको डेप्थ में नहीं दिखना है, बस ध्यान में रखना कि दो स्फीयर से आपका बनता है कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अभी याद रखो, दो स्फीयर का दो सेंटर होगा, राइट, किसी भी सर्कल को आप बनाओ तो उसका एक सेंटर होता है, तो स्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल सर्फेसेस बोलते हैं ना हम, तो इसीलिए दोनों स्फीयर से बना जाता है, इसलिए स्फेरिकल सर्फेसेस बोलते हैं। लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, राइट। अगर एक स्फेरिकल सर्फेस से बना हुआ है तो उस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव, जैसे अभी हम लोग ने देखा, ठीक है। तो दो स्फीयर का दो सेंटर होगा, सी वन एंड सी टू, सेम फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो अब दोनों का सेंटर और ये जो लेंस बना है उसका सेंटर को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, इस स्फीयर के दोनों सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर से वो लेंस बना है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, जो दोनों स्फीयर से बने हैं वो लेंस उनको बोलेंगे, उनके सेंटर्स को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लेंस का खुद का सेंटर को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। अब एक लाइन ज्वाइन होता है ये दोनों सेंटर्स और ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दो स्फीयर का दो सेंटर था और खुद के लेंस जो बन गया दोनों स्फीयर के वजह से, जो लेंस बना है उसका खुद का एक सेंटर है वो ऑप्टिकल सेंटर, और एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन हम सोचते हैं कि पास हो रहा है सी वन सी टू एंड फ्रॉम थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो उस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे टर्म्स आपको मतलब याद रहने चाहिए, इमेजिन दोज टर्म्स, ओके। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसके सेंटर से जो इसके ये स्फीयर तक का रेडियस, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर जैसे ही आता है याद रखना वो स्फीयर से रिलेटेड है जिस स्फीयर से वो लेंस बना है, ठीक है। तो ये रेडियस हमको पता है सेंटर से सर्कल के एंड तक, राइट, सर्कमफेरेंस तक, तो ये रेडियस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, राइट, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। इतना क्लियर है तो बस वही टर्म्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स, ऑप्टिकल सेंटर,
सेंटर ऑफ द लेंस आपको अच्छे से लिखना, आपका डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में, ठीक है, ये जस्ट एक शॉर्ट में है सो दैट यू विल ऑलवेज रिवाइज इट, ठीक है, आपके बुक में पूरा डेफिनेशन अच्छे से दिया है वो लिखो. ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस. प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द बोथ द सेंटर C1 एंड C2. रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर्स, ठीक है. प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड फोकल लेंथ, वो ईजी है. प्रिंसिपल फोकस स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, बट जैसे हम इमेज फॉर्मेशन का रूल्स देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है और इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. अभी सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो. लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, PA मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस. वेन एवर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकल पॉइंट. सुनो, कभी भी मैं रूल्स में क्लियर करूंगी, डोंट वरी. कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी लाइट रे अगर आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस पे और वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये है, उसको पैरेलल है, तो वो क्या होगा, कॉन्वर्ज होगा. मैंने जैसे इसके पहले जो बताया था उसमें क्या था कि हम कॉन्वेक्स को हमेशा बोलेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस, वो भी क्लियर हो जाएगा. मैं बोल रही हूँ जब नेक्स्ट वीडियो में आप रूल्स देखोगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा. तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता है बच्चों, तो क्या होता है, वो जाके कॉन्वर्ज होता है एक पॉइंट पे, और वो जहाँ पे कॉन्वर्ज होता है उस पॉइंट को हम बोलेंगे कॉन्वर्ज. मतलब जितने भी रेज अगर आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो वो क्या होंगे, फिर एक पॉइंट पे जाके ऐसा मिलेंगे कॉन्वर्ज, ठीक है. तो जिस पॉइंट पे वो लोग सारे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकल पॉइंट या तो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे या तो फोकल पॉइंट. कूल, ठीक है, सेम वे. अब इसके लिए क्या होगा, कॉनकेव के लिए लाइट रेज एट अ सॉरी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट. अपीयर ऐसे दिखता है, ऐसे हमें लगता है कि एक पॉइंट से वो डाइवर्ज होकर आए हैं, वो सब क्लियर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट. बस इतना याद रखना डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव हमेशा, इसीलिए वहां पे इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस. क्लियर, क्लियर है. कॉन्वेक्स में हमेशा पॉइंट्स जो लाइट रेज है वो सारे कॉन्वर्ज हो जाते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस दैट इज अपना कॉनकेव लेंस, इसमें हमेशा डाइवर्ज ऐसे फैल जाता है, डाइवर्ज. कॉन्वर्ज मतलब सारे मिलते हैं और इधर सब एक पॉइंट से फैल जाते हैं, तो वो जो पॉइंट कॉन्वेक्स के लिए एक पॉइंट पे मिलते हैं वो मिलने का पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस. एंड यहाँ से जहाँ से सारे फैलने वाले हैं, जहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है, एक पॉइंट से ऐसे लगेगा कि लाइट रेज डाइवर्ज हो रहे हैं, तो वो पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है. फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड वॉट दी प्रिंसिपल फोकस. अब यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल फोकस दिखाया नहीं क्योंकि वो पल्ले तुमको पड़ेगा नहीं, जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको बराबर समझेगा. कभी भी याद रखना डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस मतलब वो पॉइंट जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए सारे रेज कॉन्वर्ज मीट हो रहे हैं और इसके लिए कॉन्केव लेंस के लिए वहाँ से डाइवर्ज हो रहे हैं, तो वो पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, बट प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से. इज दिस क्लियर, प्लीज दीज आर द बेसिक्स, यहां बिठा लो, सब कुछ अच्छे से इमेजिन कर लो, ठीक है. हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे मैं ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि आपको सब याद है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, तो आप सिर्फ याद रखो कि लेंस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिस स्फीयर से लेंस बना है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका खुद का सेंटर इज ऑप्टिकल सेंटर, लाइन जो जॉइन करता है सारे सेंटर्स एंड ऑप्टिकल सेंटर को उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. और फिर हो गया अपना प्रिंसिपल फोकस, जिस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जहाँ पे सारे लाइट रेज मीट होते हैं कॉन्वर्ज होते हैं दैट इज प्रिंसिपल फोकस, एंड कॉन्केव लेंस के लिए जहाँ से डाइवर्ज होते हैं अपीयर टू बी डाइवर्ज तो वहाँ उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव लेंस का. फिर हो गया फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या रूल्स है फॉर दोनों. पहले हम कॉन्वेक्स से शुरुआत करेंगे, ठीक है, उसके क्या रूल्स है फॉर इमेज फॉर्मेशन, एंड उसके 6 केसेस हैं. आपका एक टैबुलर फॉर्म दिया हुआ है, एज यूजुअल 6 केसेस का आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, बट आई विल बी ड्रॉइंग ईच एंड एवरी केस हियर, ओके, एंड देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरा जो है मिरर वाला भी देख सकते हो, तो उसमें कैसे किया है, बट ठीक है, अभी मुझे पता है कि कोई नहीं देखने वाला है तो रहने दो. आप ये भी मिरर देखो मत, कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ लेंस पे ध्यान दो. तो हम ईच एंड एवरी केसेस हम देखने वाले हैं थ्रू
ड्राइंग की कैसे होता है, ठीक है। सो प्लीज़ ये अच्छे से देखो ये वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं बनाती हूँ उसमें आपका रूल्स आ जाएगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय, पढ़ते रहो, मज़े करो, ओके।